हाय दोस्त, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की ये पनीर कैसे तैयार होता है दूध से। तो आप देख रहे हैं कि चूल्हे पे ये दूध बैठा दिया गया है, तो एक बार खोल जाएगा तो उसके बाद उतार देना है, और उतार के इसमें छेने के पानी डालना है और धीरे धीरे करके डालना है और चलाते रहना है इसको। जैसे ये देखिए, चलाते रहना है और धीरे धीरे करके पानी डालते रहना है छेने का। तो ये देख रहे हैं दूध कितना अच्छी तरह से छेना ये फट रहा है दूध से। तो ऐसे ही आप अपने घर पर कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके पानी डालेंगे इसलिए कि पूरा अच्छी तरह से ये फट जाए। तो आपको एक सूती का कपड़ा ले लेना है और एक गमले के ऊपर ऐसे ही लगा देना है, आप देख रहे हैं, और उसमें ये पूरा आप छेने का जो है फटा हुआ है उसको डाल देंगे छेना, तो उसमें अच्छी तरह से छन जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ऐसे ही आपको डाल देना है इसमें और कपड़े उठा के ऐसे छान लेना है, और जो भी छेने का पानी है जो इसमें पनीर में लगा हुआ है अभी, तो उसको अब धो लेंगे, इसलिए कि खट्टा होता है वो तो टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो धो लेंगे ऐसे ही करके, और धोने के बाद एक खूंटी पर टांग देंगे इसको कहीं, और टांग के और उसको एक रस्सी से उसको बांध देंगे, और घुमा के बांधना है इसलिए कि थोड़ा टाइट करके, ये टाइट हमारा पनीर जो है अच्छी तरह से निकले। थोड़े देर तक के लिए छोड़ देना है ऐसे ही बांध के, तो आप देख रहे हैं 5 मिनट के लिए छोड़ दें, और 5 मिनट के बाद निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से वो बंध गया होगा। पन देख रहे हैं कितना अच्छा और स्पंजी तैयार हुआ है ये पनीर। तो आपको मैं काट के दिखाता हूँ इसको, ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना स्पंजी और सॉफ्ट पनीर तैयार हुआ है। तो इसे काट के और पानी में रख सकते हैं आप, थोड़े देर बाद ही यूज कोई करता है तो खट्टा नहीं होगा और स्पंज रहेगा, ये स्पंजी रहेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त।